हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है हमारे सीटेक चैनल में। आज मैं आपके बताने जा रहा हूँ कि यदि आपके पास TSS का आईडी है, मतलब कि द स्मार्ट शॉप का आईडी है, यदि आपको किसी कस्टमर का मनी ट्रांसफर करने के लिए KYC करना है तो आप फिंगर KYC कैसे कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप या हो सकता हो कि आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा हो, लेकिन मोबाइल के जरिए भी बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए क्या कि देखिए, यहाँ पर एक TSS का मेरे पास ऐप है जो जिसको आप अपडेट कर लीजिए ऐप को, उसके बाद ही काम करेगा। और यहाँ पर RD, देखिए मोर्फो SCL RD सर्विस का एक ऐप है, उसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फिर से मोर्फो SCL RD सर्विस का ऐप है, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए और TSS का फाइल अपडेट कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से TSS को ओपन करता हूँ मैं। यहाँ पर अपना पासवर्ड टाइप कर लेता हूँ। तो पासवर्ड टाइप करने के बाद में यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, लॉगिन हो चुका है। तो आपको जाना है DMR पर। DMR का ही प्रॉब्लम है सभी को। तो DMR पे जब क्लिक कीजिएगा तो ICC KYC DMR पे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपके आएगा न्यू यूजर। तो न्यू यूजर पे क्लिक करने के बाद में आपको KYC जो करना है, तो यहाँ पर देखिए KYC रजिस्ट्रेशन विथआउट आधार और KYC रजिस्ट्रेशन विथ आधार। तो आधार पर क्लिक करके ऑन टाइम पासवर्ड के थ्रू करना चाहते हैं या फिर बायोमेट्रिक। तो मैं बायोमेट्रिक डिवाइस के बारे में बता रहा हूँ, तो बायोमेट्रिक डिवाइस सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ऑप्शन आता है सिलेक्ट डिवाइस, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट डिवाइस मोर्फो विथ RD सर्विस सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपके पास राइट हैंड लेफ्ट क्या आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से क्लिक कर लीजिए। उसके बाद में आप आधार नंबर डिजिट, जो आधार नंबर है आप उसे टाइप करते हैं यहाँ पर। टाइप हो गया, आप आई एग्री पे क्लिक करके उसके बाद में स्कैन फिंगर पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। तो देखिए ये जो लाइट है ये जलने लगा। तो अब मैं इसको अपने जो कस्टमर है इनका मैं फिंगर स्कैन करा लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक दो बार में प्रॉब्लम आया, लेकिन एक KYC का ऑप्शन पूरा हो गया। अब यहाँ से हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। इंटर मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर टाइप करते हैं। मोबाइल नंबर बताना अपना यार, बहुत तभी कहूँ। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, अब इसे ओके। उसके बाद में हम मोबाइल नंबर को क्लिक करते हैं। तो यदि पिन मैसेज द्वारा नहीं भेजा गया तो आप फॉरगेट भी कर सकते हैं यहाँ से। तो फॉरगेट पिन पे क्लिक कर लेते हैं तो भेज दिया जाएगा। उसके बाद में जब पिन आपको मैसेज में मिल जाएगा, तो उसके बाद में लॉगिन करके आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली KYC हो गया। तो पिन में यहाँ टाइप कर लेता हूँ और लॉगिन करता हूँ। तो देखिए, तो लॉगिन के बाद आप देख सकते हैं कि एज बेनिफिटली पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आप KYC, तो KYC बैक जाते हैं। तो देखिए, तो KYC एक्सेप्ट हो गया, KYC पेन एक्सेप्ट हो चुका है और सक्सेसफुल हो चुका है। तो आप यहाँ से ऐड बेनिफिशरी क्लिक करके आप अपने हिसाब से जितना बेनिफिशरी ऐड करना है करके आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इस पर 50,000 का लिमिट हो जाता है और 50,000 तक अपने कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से।